दोस्तों इस वीडियो में हम एनॉक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे और दोस्तों जैसे कि डिटेल्स आपको मिल गई होगी और आपको बताएंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेसिस पर इस आईपीओ में क्या किया जा सकता है। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी क्रायोजेनिक इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। फाइनेंशियल की बात करें तो काफी जबरदस्त है। पिछले 3 साल में इनका प्रॉफिट काफी बढ़िया तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है और उसी के वजह से यहाँ पर प्रीमियम अगर देखें तो काफी बढ़िया 400 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, यानी कि 690 रुपए का आपको एक शेयर मिलने वाला है और 400 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। प्रीमियम करीब 60-65% के आसपास अभी ही देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से कंपनी के जो कामकाज है, जिस तरीके से कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में भी आपको काफी बढ़िया रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेसिस पर इसमें अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको करीब 70-80% तक का प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द मार्केट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये मेरे एनालिसिस से मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेसिस दोनों पर ही इस आईपीओ में फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों कल से ये आईपीओ ओपन होगा तो देखते हैं किस तरीके से ओपनिंग होती है, सब्सक्रिप्शन होता है और अपना ओपिनियन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लें। धन्यवाद।